बिलासपुर में कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन एवं कर्फ्यू के कारण पैदा हुई परिस्थितियों में रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े स्वयंसेवी प्रवासी व दिन रात सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं और मानव सेवा भी कर रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े स्वयंसेवी पूरे शहर में रहने वाले प्रवासी व निर्धन परिवारों को घर तक दो वक्त का खाना भी पहुंचा रहे हैं, बल्कि NH चंडीगढ़ मनाली पर जरूरी सामान लाने वाले ट्रक चालकों को भी पका हुआ भोजन खिलवा रहे हैं। यहाँ पर यह सिलसिला पिछले काफी दिनों से जारी है ताकि कोई भूखा ना रहे और बिना भोजन के सो ना सके। रेडक्रॉस सोसाइटी से जुड़े स्वयंसेवी अनीश ठाकुर का कहना है कि रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े स्वयंसेवी जब से लॉकडाउन एवं कर्फ्यू लागू हुआ है तब से लगातार दिन रात पूरे बिलासपुर शहर व NH चंडीगढ़ मनाली पर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों को भोजन खिला रहे हैं, जो एक सच्ची मानवता है। हमारी तीन चार संस्थाएं हैं, जैसे प्रेस क्लब है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, विश्वकर्म मंदिर समिति है, राम नाटक समिति है। ये सभी लोग जो है, और नव दुर्गा संकीर्तन मंडल है, हम सभी वॉलंटियर लोग जो है ये खाना बांट रहे हैं रोज। ये हम लखनपुर से लेके और रोड़ा सेक्टर, यहाँ मेन मार्केट में जहाँ भी ये प्रवासी लोग हैं उनको ये खाना रोज निरंतर दो टाइम बांट रहे हैं। और FCI गोडाउन में कुछ ट्रक वाले आते हैं, बेचारे ड्राइवर्स हैं, इनको भी हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही एक हमारा आदमी बस स्टैंड चौक पे भी है जो वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को निरंतर खाना जो है वो 2 समय उपलब्ध करवा रहा है।